मैं कुछ नाम गिनवा रहा हूं, आपको ये बताना है कि इनके बीच समानता क्या है, कौन सा धागा इन सबको एक दूसरे से जोड़ता है। शहीद भगत सिंह, वीर सावरकर, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और लाला लाजपत राय। समानता ये है कि ये सब भारत भक्त थे और ये सब जिस मशाल की रोशनी में स्वतंत्रता के पथ पर आगे बढ़े, उस मशाल का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर और आज मैं आपको उस ज्योति पुंज, उस युग पुरुष के बारे में बताऊंगा जिसे बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहास में वो स्थान, वो मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। आर्यावर्त, उठ, जाग, आगे बढ़, समय आ गया है नए युग में प्रवेश कर। ये शब्द हैं भारत की महान ऋषि परंपरा में जन्मे श्री मूल शंकर तिवारी के, जिन्हें आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से याद करते हैं। स्वामी जी गुलाम भारत में जन्मे थे, जब कंपनी सरकार अपने खजाने भरने के लिए भारत की अस्मिता और गौरव को दिन रात लूट रही थी। अंग्रेज जानते थे कि भारत में आस्था, ज्ञान और स्वाभिमान की जड़ें कितनी गहरी हैं। उन्हें आभास था कि बिना संस्कृति की जड़ काटे भारत को ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाए रखना संभव नहीं होगा। लॉर्ड मैकाले का वो कथन तो आपको याद ही होगा, भारतीयों में हीन भावना भर दो, उन्हें विश्वास दिला दो कि उनकी संस्कृति पिछड़ी हुई है, परंपराएं और मान्यताएं खोखली हैं, यहां तक कि भारतीयों का पहनावा, उनका खान पान, बोली भाषा सब क्षुद्र है। उन्हें आगे बढ़ना है तो अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, गोरी सरकार को अपना माई बाप समझना चाहिए। भारत में एक ऐसी नस्ल पैदा करो जो देखने में भारतीय हो लेकिन अंदर अंग्रेजियत कूट कूट कर भरी हो। अंग्रेजियत का यही अंधा मोह इन्हें सदियों सदियों तक हमारा गुलाम बनाए रखेगा और भारत में ब्रिटिश राज का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती गोरी चमड़ी का ये काला धंधा समझ चुके थे। उन्होंने उद्घोष किया, वेदों की ओर लौटो, और यहीं से ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी की धज्जियां उड़नी शुरू हो गई। इसे भारत का दुर्भाग्य कह लें या फिर तथा कथित बुद्धिजीवियों की कलुषित सोच, जिन्होंने सेक्युलर सिलेबस के नाम पर भगोड़े अकबर बाबर तो हमें बचपन से ही रटा दिए लेकिन स्वामी जी के विचारों से सदैव दूर रखा। जब अंग्रेजी पढ़े हुए तमाम तथाकथित भारतीय बुद्धिजीवी अंग्रेजों को अपना मसीहा मानने लगे थे और अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए अंग्रेजों के पीछे दुम हिलाते फिरते थे, महर्षि दयानंद सरस्वती हिंदी भाषा और महान भारतीय वैदिक परंपरा का प्रचार निडर होकर किया करते थे। यही कारण था कि फिरंगियों की भवें स्वामी जी पर सदैव तनी रहती थी। दमनकारी अंग्रेजी राज में जब लोग अंग्रेजों के आगे आंख उठाने से डरते थे, तब स्वामी जी खुलकर कहते थे कि भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है, अंग्रेजों को यहां से जाना ही होगा। स्वामी जी ने ही सबसे पहले स्वराज का नारा दिया था, जिसे आगे चलकर श्री बाल गंगाधर तिलक ने जन वाक्य बना दिया, मूल मंत्र बना दिया। सरदार पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही डाली थी। सरकारी पाठ्यक्रमों ने हमें कभी बताया ही नहीं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की योजना बनाने वाले अग्रणी लोगों में स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे प्रमुख थे। क्यों नहीं बताया, ये तो आप भी जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को देश का हीरो कैसे बना दें जो वेदों का ज्ञाता हो और सनातन धर्म में अटूट विश्वास रखता हो। अगर स्वामी जी सेकुलर होते तो हमारे सिलेबस में उन्हें जगह जरूर मिल जाती। खैर, तब नहीं तो अब सही, मैं और आप स्वामी जी, सावरकर, बाल गंगाधर तिलक जैसे महापुरुषों को अपने मन में स्थान दें, अपने बच्चों को उनकी कहानियां सुनाकर बड़ा करें, तो वो दिन दूर नहीं जब पाठ्यक्रम बदल दिए जाएंगे। स्वामी जी का एक किस्सा सुनाता हूं। 1857 के आंदोलन से कुछ साल पहले एक दिन बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह ने स्वामी जी से शंका व्यक्त की, स्वामी जी क्या हम इस आंदोलन में सफल हो पाएंगे? स्वामी जी मुस्कराए और बड़ी विनम्रता से कहा, कुंवर, भारत 100 वर्षों में गुलाम हुआ है, इसे स्वतंत्र होने में भी लगभग इतना ही समय लगेगा। कुंवर सिंह ने पूछा, स्वामी जी फिर हमारा ये आंदोलन, इसका क्या होगा,
हम इतने प्राणों की आहुति क्या व्यर्थ में दे रहे हैं? स्वामी जी ने कहा, कुंवर, स्वतंत्रता सस्ती नहीं मिलती। अनेकों अनेक वर्षों तक असंख्य प्राणों की आहुति देनी होगी। संघर्ष की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। हम तो बस वो शुरुआत कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं की। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। स्वामी जी जानते थे कि 1857 में विजय नहीं मिलेगी, लेकिन बिगुल तो बजेगा, भारत वर्ष के प्राणों में कंपन तो होगा, धरती डोलेगी तो, और साहिब बहादुरों की छाती में धसी हुई हिंदुस्तानी गोलियां महारानी विक्टोरिया को डराएंगी तो, ये भी क्या कम है। स्वामी जी ने जो 100 वर्षों की भविष्यवाणी की थी वो सच हुई। 1947 आते आते क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के पैरों तले से भारत की जमीन खींच ली और लाद दिया उनका सामान ब्रिटेन जाने वाले पानी के जहाज में। एक बार स्वामी जी की मुलाकात तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक से हुई। पावर के दंभ में चूर गवर्नर ने स्वामी जी से कहा, ये अपने व्याख्यान की शुरुआत में आप जो ईश्वर की स्तुति करते हैं, क्या उसमें ये प्रार्थना भी शामिल है कि अंग्रेज सरकार का कल्याण हो? गवर्नर के तेवर साफ बता रहे थे कि वो जवाब में क्या सुनना चाहता है, और अगर उसके मन का उत्तर नहीं मिला तो परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। लेकिन स्वामी जी ठहरे भारत की ऋषि परंपरा के अनुयायी, असत्य कैसे बोले। स्वामी जी ने उत्तर दिया, अंग्रेज सरकार के लिए प्रार्थना तो करता हूं गवर्नर साहब कि जितनी जल्दी हो सके भारत में अंग्रेजी राज का सर्वनाश हो जाए और हमें पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो। गवर्नर साहब के कान सुन्न हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि भारत का एक ऋषि उनके हजारों मिलिट्री जनरल से ज्यादा निर्भीक हो सकता है, निडर हो सकता है। ये कहानियां आज मैंने आपको क्यों सुनाई? क्योंकि जमैका के महान दार्शनिक मार्क्स गर्वी ने कहा है, पीपल विदाउट द नॉलेज ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्री ओरिजिन एंड कल्चर आर लाइक अ ट्री विदाउट रूट्स। जो अपने इतिहास, अपनी उत्पत्ति और अपनी संस्कृति से अनभिज्ञ है, वो व्यक्ति जड़हीन वृक्ष से ज्यादा और कुछ नहीं है। हम भारतवासी तो सदैव से ही ज्ञान गंगा में मछली की तरह तैरते और जीते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में हम पर अज्ञान थोप दिया गया, हमें जल बिन मछली वाली दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया गया। जो हुआ वो गलत था, लेकिन इससे भी ज्यादा गलत होगा कि हम अपने अज्ञान को नियति मानकर स्वीकार कर लें। स्वामी जी कहते थे, अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। इसलिए जागो भारतीयों, रहो चाहे जहां, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने साहित्य और अपनी महान विभूतियों पर सदैव गर्व करते रहो। आज परम आदरणीय स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, यारों दोस्तों से इसकी चर्चा करें, घर परिवार में बच्चों को बताएं कि आज का दिन कितना शुभ है और क्यों शुभ है। हम अपने महानायकों को जीवित रखेंगे, तभी हमारा भारत जीवित और जागृत रहेगा। आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, आभार।